हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और यहाँ पर जो कुछ बच्चे परेशान हैं 30 नंबर या 30 से कम नंबर को लेकर, जिनको डाउट है अपने सिलेक्शन पर, उन्हीं के लिए एक थोड़ी राहत की खबर है। वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। चलिए, कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी आपके नंबर को इनक्रीज करने में, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और आपको बता दूं, मैं अब अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे वहां पर सीधे मैसेज कर सकते हैं। आपकी CBT 2 की तैयारी के लिए वहां पर कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पाएँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास में पहले से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अमित भाटी के नाम से और फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए और बिल्कुल एकदम फ्री है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो 30 नंबर के आसपास हैं, या फिर जिन लोगों का बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे कहें। जैसे OBC के लिए जो कंडीशन है, OBC के लिए अगर कंडीशन है वो 30% की रखी गई है, मिनिमम इतना होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं जा सकते। और मार्क्स की अगर हम बात करें, तो ये 22.5 मार्क्स के आते हैं आपके। तो जो कुछ मेरे को बच्चे ने मैसेज किए हैं, कुछ ने, तो उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 22.5 मार्क्स नहीं आ पा रहा है। और जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि भाई तुम तो रेस से बाहर ही हो। मतलब कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी वो तो अलग मैटर है, तुम तो रेलवे की जो रेस है, उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है 22.5 मार्क्स का, उसी से बाहर है। तो ये वीडियो उन लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। और किस तरीके से, अब देखो, जिनके मार्क्स 15 से बिलो हैं या 20 के बिल्कुल, मतलब 20 के बिलो हैं, तो ये उन लोगों का तो शायद ही कुछ हो पाए, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिनके 22, 20.5 इस तरीके के आसपास में मार्क्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और वो अपनी पढ़ाई यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर देनी चाहिए। तो देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी, आंसर की में जो एरर थे, एरर आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, ठीक है। ज़्यादातर आंसर की में जो एरर्स हैं, वो आप ये समझिए, कुछ में दो हैं, किसी में एक है, किसी में तीन है, किसी में चार है। अभी भी करेक्शन होने के बाद तो इतनी संख्या तो हर एक के अंदर है कि नहीं, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो इसके रिगार्डिंग आप समझिए, अगर आपके पेपर में, जैसे अब किसी बच्चे के 20 नंबर आ रहे हैं, और उसको मिनिमम तो चाहिए, अगर वो कट ऑफ की रेस में आ जाए, एक नंबर तो एटलीस्ट चाहिए। अगर उसका एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी जो आंसर की में गलत है उनका सही हो जाता है, तो ऑफकोर्स नंबर जो है बढ़ जाएंगे और 22.5 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये तो पहली चीज़ रही, छोटी सी चीज़ है। इतना तो ज़्यादातर आंसर की में आप देखेंगे, एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको ये लगेगा कि मैंने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोगों की पकड़ में नहीं आते, हमने भी देखा, हमें भी नहीं समझ में आए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और वो उस पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, किसी भी गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर दे, अगर कोई ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो उसमें जो सभी के मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो सभी को मिलेगा। हो सकता है आपने ऑब्जेक्शन ना किया हो और आपके शिफ्ट में भी एक या दो क्वेश्चन गलत हों, तो बाकी बच्चों ने उस पर कर दिए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है एक दो पेपर में कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं किए थे। एक बार SSC में देखा था मैंने, ऑब्जेक्शन नहीं किए थे और फिर भी उनके 5 से 5 नंबर बढ़ गए थे। वो किसकी वजह से, क्योंकि गलतियां थी उसमें पेपर के अंदर। ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तभी नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, तो एक या दो नंबर तो आपको बढ़ना बढ़ना है ही, आप ये निश्चित कर लें, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपके 20 नंबर आ रहे हैं और 20.5 मिनिमम OBC वालों को चाहिए, ऐसे ही अगर UR या आप, ये OBC और SC दोनों की कंडीशन है यहाँ पर। ST वाले थोड़े से कम हैं, ST वालों की 25% पर है। आप एक बार मार्क्स निकाल लेना अपने कितने आते हैं, 25% तो चाहिए चाहिए आपको कट ऑफ की रेस में आने के लिए। फिर UR के लिए 40% है, तो आप भी देख लेना अपना कितना आता है, 75 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो एरर थे आंसर की के अंदर, वो जब सही होंगे तो आपके एक दो नंबर आप देखना, आप जो भी आपके आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपके साथ मैं बता दूँ, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा होगा NTPC वाले बच्चे हैं, मैंने आपको सबूत के तौर पर बहुत सारे कमेंट उनके दिखाए थे एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर सर्च कर लेंगे, तो काफ़ी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट बच्चों ने किए थे। तो NTPC में क्या हुआ था, यही रेलवे का ही एग्ज़ाम था नॉन टेक का, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी नंबर कम आ रहे थे। उसमें तो एक अमेजिंग फैक्ट भी था कि कुछ ऐसे भी थे जिनके मार्क्स कट ऑफ में थे, लेकिन बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ उनके नंबर कम हो गए,
कुछ ऐसे भी कमेंट मिले मुझे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पेपर हार्ड होते हैं वो उनके नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं। अब मान लेते हैं आपका पेपर अगर हार्ड है तो आपके भी डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। इसी वजह से आप अगर आप तैयारी करके गए हैं, देखो जो तैयारी करके गया है, जिसने पेपर तैयारी करके दिया है, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। अब जिसने तैयारी नहीं की है तो उसका मैं क्या कोई नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो तैयारी करके पेपर दिए थे, और पेपर हार्ड होने की वजह से वो कम क्वेश्चन कर पाए हैं या कम उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके अगर सोचिए आपके मिनिमम 4 से 5 मार्क्स भी अगर आपके बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और इतने बढ़ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। NTPC में क्या हुआ था, NTPC में 10 से 15 15 मार्क्स भी बच्चों ने बताए हैं कि हमारे इतने नंबर बढ़ गए थे। और कम की बताऊँ, कम वाले मुझे कुछ सिर्फ 2 या 3 बच्चे मिले हैं। कोई मेरे कह रहा है कि सर 2 कम हो गए थे, कोई कह रहा 8 कम हो गए थे। तो इस तरीके से जब पेपर इजी शिफ्ट में हो जाता है तो वहाँ पर कम भी हो जाते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि भाई सभी को इक्वल कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब सोचो अगर आपका पेपर टफ था, इस वजह से आप नहीं कर पाए, आपने अपनी तैयारी अच्छी की थी, तो आप यहाँ से देखेंगे आपको 4 से 5 नंबर का बेनिफिट इधर से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पेपर में 1 या 2 गलती भी एरर पाई गई जाती है, मान लेते हैं 1 गलती मिलती है एटलीस्ट, तो आपका 1 नंबर का बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपके 5 मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आपके 22 मार्क्स आ रहे थे, 22 मार्क्स आ रहे थे, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे इस तरीके से, 27, यानी कि एटलीस्ट आप कट ऑफ की रेस में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचानी है जो बिल्कुल दिल तोड़े बैठे हैं, अपना हार माने बैठे हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, और वो मेहनत के पेपर दिए थे, ठीक है। और दूसरा आपको क्या काम करना है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पेपर 2 की आपको तैयारी करनी है। अब मान लेते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता, मैं एक बार को मान लेता हूँ कि आप कट ऑफ में नहीं आते, तो भाई क्या हो जाएगा, आने वाले और पेपर नहीं है क्या, उनकी भी जो आप पढ़ाई करोगे वो सब बेकार चली जाएगी। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी आप ट्रेड का सिलेबस, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप अभी ट्रेड का जो सिलेबस है आप उस पर ध्यान ना दें अभी, ठीक है। अभी आपको डाउट है कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ट्रेड ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ट्रेड सिर्फ ALP के अंदर है। अब आप क्या पढ़ें, देखो CBT 2 में 2 पार्ट है, CBT 2 के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए पढ़े आप, ठीक है। पार्ट ए में आप देखेंगे मैथ है आपका, ठीक है, रीजनिंग है, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ें पढ़ें तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपका नंबर आ जाता है, भगवान करे आपका नंबर आ जाए, यहाँ पर आप क्लियर कर जाएँ, तो ये तो आप देखिए इतना तो पता ही आपको, ये क्वालिफाई है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, चाहे आपके फिर 22 पर क्वालिफाई, 23 पर क्वालिफाई हो जाए, या फिर आपका 70 पर क्वालिफाई हो जाए। अगर हो गया तो आप भी बराबर, और 22 वाला भी बराबर, और 70 वाला बराबर, तो फिर आप यहाँ पर कंपटीशन तो एटलीस्ट उसे दें। आप तो फिर अगर यहाँ पर पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप इसी चक्कर में बैठे रहेंगे कि मेरा पढ़ाई नहीं होना चाहिए, मेरा नंबर नहीं आएगा, और आपका गलती से मतलब या ये कहें कि कृपा से आपका हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर भी कम नंबर आएंगे और आप तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। आपको लेना है सिलेक्शन, तो आपको पढ़ाई तो पार्ट ए की एटलीस्ट आप शुरू कर दीजिए। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप इन लोगों के कंपटीशन में आप तो पहले से ही कमज़ोर हैं, ऊपर से आप पढ़ाई नहीं करेंगे पार्ट 2 के लिए, तो फिर आप वैसे बाहर हो जाएंगे नेक्स्ट पेपर में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, और यहाँ से आपका जो करंट अफेयर है ये सारी चीज़ों को फोकस रखिए। अब ये सारी चीज़ें तो आप किसी, अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका नंबर नहीं भी आता, तो ये सारी चीज़ें आपको किसी ना किसी दूसरे पेपर में तो हेल्प करेंगी कि नहीं करेंगी, ठीक है। आप और भी पेपर देंगे, अब ऐसा तो है नहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता इसमें तो आप अपना मतलब दिल पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैं तो और कोई पेपर ही दूंगा, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। तो बस आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, आप जो है पार्ट ए को तैयार कर लें, ट्रेड जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका नंबर आता है तो अपना ट्रेड पढ़ लेना, नहीं आता है तो फिर छोड़ देना, अगले आपको पेपर की तैयारी करना, जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होगा। तो ये वीडियो आपके लिए मैं इसीलिए बनाई ताकि आप पढ़ाई कर सको और अपने आप को मोटिवेट रखो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ और चीज़ें आएंगी सामने निकल कर वो सारी चीज़ कराई जाएंगी। मैं भी यहाँ पर आपके लिए ड्राइंग की क्लास करा रहा हूँ, तो आप इन्हें भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।